अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमने आगे जल्दी से वीडियो शुरू करें। तो हमारे पास ERG एक टेस्ट मौजूद है, ERG और VEP दोनों टेस्ट अवेलेबल हैं। आज हमने इसके रिव्यूज़ बताने हैं और इनमें क्या कैसे पता चलेगा कि आपको क्या बीमारी चल रही है। तो मुझे आइस का थोड़ा मसला था, तो मेरी विजन थोड़ी वीक हुई, तो मैंने डॉक्टर से मशवरा किया, तो डॉक्टर ने कहा हम टेस्ट करते हैं, पता चल जाएगा कि आपकी विजन किस वजह से कमज़ोर हुई है। तो ERG मेरे हाथ में मौजूद है, तो मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ये चेक करें टेस्ट, यहाँ पे राइट आइज पोपिल 6.5 mm है और लेफ्ट आई पोपिल 3.6 mm। तो यहाँ जो जो मुझे डॉक्टर ने बताया, मैं वो आपको बताऊंगा कि जो मुझे डॉक्टर ने यहाँ पे मसला बताया है कि आपके जो राइट आई है उसके जो ऑप्टिक नर्व है, यानी जो पर्दे से दिमाग के दौरान जो नस जा रही है, वो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। जो दिमाग से आँख के अंदर पर्दे के पीछे तक नस आ रही है, यानी हमारे जो आ रही है ना नाड़ सी, बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर से, वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है, तो उसकी वजह से मेरी विजन कमज़ोर हुई है। ये टेस्ट बता रहे हैं और टेस्टों के अलावा डॉक्टर भी बता रहे हैं इन टेस्टों की रिपोर्ट को देखकर। तो फिर से ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ थोड़ा नज़दीक जाके, ये चेक कर लें। 400 तक गया है, 400 को पॉइंट होता है वहाँ पर गया है। तो ये राइट आई भी थोड़ी कमज़ोर है, इसमें भी वही थोड़ा बहुत नंबर है, लेकिन राइट लेफ्ट से ज़्यादा। तो ये टेस्ट था। और इसके बाद ERG भी मैं आपको चेक करवाऊंगा, ये चेक कर लें। ये भी राइट आई पॉपुलैरिटी है, ये सारी वही बातें। तो ये मेरे ख्याल में ERG, VEP आपको बाद में दिखाऊंगा, वो भी मेरे पास पड़ा है, वो भी दिमाग से आइस तक किया जाता है, पता चल जाता है कि आइज़ में क्या इशू चल रहा है और आपकी विजन क्यों कमज़ोर हो रही है और आपको क्या मसला है और इस विजन को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये सब बातें टेस्ट में मौजूद हैं, तो ये चेक कर सकते हैं। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है कि आपके जो दिमाग के नर्व हैं वो जो आई तक आ रही हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें वो थोड़ी कमज़ोरी पैदा हो रही है, डैमेजेस हैं। तो इसलिए तो मेरे ख्याल में ये VEP टेस्ट है, जिसे VEP कहा जाता है, ये वो है। ये दोनों टेस्ट मिक्स हो गए, पता नहीं चल रहा, पर दोनों ही है मेरे पास है, करवाए मैंने दोनों में, ये दोनों ही हैं, एक तरह के होते हैं। ये VEP है, वो ERG उस पर वो आँख बनी हुई है, ये मेरे ख्याल में दिमाग के लिए VEP किया जाता है, ये वो वाला है, ये भी VEP है। इसमें भी थोड़ा वो बताया, सिर्फ एक ही मसला आ रहा है सिर्फ भाई, ये भी वो ERG है, ये भी ERG। ये दोनों टेस्ट मैंने आपको चेक करवा रहे हैं। जो मुझे आइस का प्रॉब्लम आया है वो ऑप्टिक नर्व का प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। ऑप्टिक नर्व्स का प्रॉब्लम है, मैं लेज़र करवाऊँ तो वो भी ठीक हो जाएगा लेज़र के दौरान भी। तो ये टेस्ट तकरीबन आपको मेरे हिसाब से जब मैंने करवाए थे तो उस वक्त इसकी जो प्राइस थी, एक टेस्ट और भी था इसमें ग्लील स्कैन भी मौजूद था, तो उस वक्त मैंने जो प्राइस इसकी भरी थी वो मेरे ख्याल में 15,000 थी, तो 15,000 थी उस वक्त मैंने ये प्राइस भरी थी। तो अब थोड़ा कम भी हो गया होगा शायद, या ज़्यादा हो गया, इसका मुझे पता नहीं है, आप करवा लें। शायद 15,000 से भी मेरे ख्याल में मैंने कम दिए, मुझे याद नहीं है, मैं आपको ये चेक करवा दूँ। 2000 कब की बात है, 2022 की बात है, जो 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल में मुझे याद खैर कोई नहीं है ये कितने में मुझे कराए थे, ये 50 में थे या 14 थे में थे, होना यही है, ये 40,000 में होंगे या 15,000 में होंगे। तो वो तीन टेस्ट थे, ग्लील स्कैन था, VEP और ERG, ये तीनों टेस्ट थे, महंगे हैं आइज़ के लिए, आप करवा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा कोई आइज़ का इशू चल रहा है तो आप करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।